साथियों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसा शक्ति है जिसके द्वारा जो है कि आप कोई भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। वो शक्ति जो है आपको ओसीडी से भी बाहर निकाल सकती है, या आप पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें भी आपको महानता तक आपको ले जाने में मदद करेगी। तो वह शक्ति का नाम क्या है उसे जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको माइंड से रिलेटेड मोटिवेशनल भी वीडियो और ये सब जो है कि आपको इस चैनल में मिलेगा दोस्तों। तो बात करते हैं वो शक्ति क्या है। वो एक ऐसा शक्ति है जो हर एक के अंदर पाया जाता है, हर एक सफल आदमी के अंदर भी और जो सफल नहीं हुए उसके अंदर भी पाया जाता है दोस्तों। वो शक्ति का नाम है विश्वास। विश्वास मतलब विश्वास करना, एक शब्द है विश्वास। ये विश्वास जो शक्ति है दोस्तों उसके सहारे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो जाए कि हम ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप ही अपने आप को सिर्फ रोक सकते हैं, कोई और दूसरा आदमी आपको रोक ही नहीं सकता है। इस माइंड को समझना ही है तो माइंड को तो बदलना ही है, तो ये सारा चीज़ आपको रास्ता मिलते चले जाएंगे दोस्तों जब आप इस शक्ति पर विश्वास करेंगे। विश्वास किसके ऊपर? विश्वास अपने ऊपर, विश्वास खुद के ऊपर, विश्वास कि हाँ हम निकल सकते हैं, हाँ हम निकल सकते हैं, ये वाला विश्वास। हाँ मुझे विश्वास है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं, हाँ मुझे विश्वास है कि हम अच्छा कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। कठिनाइयाँ आती है लाइफ में लेकिन वो विश्वास के दम पर जो है ना आप बाहर निकलते दोस्तों। आपको बहुत कुछ आएंगे रोकने के लिए, टोकने के लिए, नहीं होगा ये सब चीज़, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो वो विश्वास आपको वो सबसे ऊपर लेके चले जाएगा दोस्तों। इस शक्ति को जो है ना आज जो भी लोग सफल हुए हैं दोस्तों उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास था कि हाँ हम कुछ कर जाएंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे, कुछ बड़ा कर जाएंगे। आज अगर सचिन तेंदुलकर जो है ना एग्जांपल देते हैं सचिन तेंदुलकर का, क्या उसके जैसा महान खेलने वाला क्रिकेटर कोई नहीं है? बहुतों है दोस्तों, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्यों सफल हुआ? क्योंकि उसको सिर्फ ये मानते थे अपने आप को, विश्वास करते थे कि हम कुछ हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम खेल लेंगे, हम अच्छा कर लेंगे क्रिकेट में। तो वो क्या हुआ कि उस विश्वास के दम पर दोस्तों जो है ना वो बहुत बड़ा मुकाम आज हासिल कर लिए हैं। तो यही जो है ना विश्वास, इस यही विश्वास आज कोई भी बीमारी अगर ठीक होता है और कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, दवाई से तो वो कम ठीक होता है दोस्तों, ज़्यादातर विश्वास के कारण ठीक होता है। अगर डॉक्टर को बातों पर अच्छी तरह से विश्वास कर लिए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। तो हम क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि ये विश्वास, क्योंकि अवचेतन मन, देखिए एक अगर किसी का हड्डी क्रैक कर जाता है दोस्तों तो हड्डी जो है कि डॉक्टर नहीं जोड़ता है, डॉक्टर क्या करता है प्लास्टर कर दिया, अब जो है ना जोड़ने का काम उसका अवचेतन मन करता है दोस्तों। जो सबकॉन्शियस माइंड जो है कि वो अपने आप उनको भर रहा होता है, जो देखते होंगे कि शरीर से ब्लड निकलता है तो वहाँ पर भरने के लिए ऑटोमेटिक जो है कि एक ब्लड का थक्का बन जाता है, वो कौन कर रहा है? हमारे बॉडी के अंदर वो जो अनजाने शक्ति में जो खाना पचा रही है, जो सब चीज़ कर रही है, वो सारा चीज़ जो है ना वो जो है कि काम करना चालू कर देता है दोस्तों। तो ये विश्वास का शक्ति जो है ना दोस्तों सब जगह काम करता है। अगर आप कुछ काम पे जो है कि विश्वास करते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे तो आप देखते होंगे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो मेरा इस वीडियो का जो मेन मकसद यही है कि अगर आप विश्वास करते हैं चाहे वो कि मतलब वो सीढ़ी से हम बाहर निकल सकते हैं तो आप जो है ना आपको रास्ता मिलने लगेंगे। जहाँ आपको अभी जो है कि डाउट दिखाई पड़ता है, जहाँ आपको डर दिखाई पड़ता है, जहाँ आपको जो समस्या आती है वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ने लगी, आपको एक चुनौती देखने लगेंगे कि हाँ ये जो विचार आ रहे हैं हमारे लिए चुनौती है, जो निगेटिव विचार को हम कैसे ओवरकम करें, आपको रास्ता मिलने लगेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वहाँ पर खामियाँ खोजना चालू कर देंगे। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं लेकिन उसमें थिंकिंग में जाके फंसते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर विश्वास करेंगे कि हाँ हम बाहर निकल सकते हैं तो आपके अंदर जो है ना ये क्षमता डेवलप होगी, हाँ क्यूरियोसिटी होगा कि जो डर दिखाता है
उसको जो है झेलने की आपके अंदर वो ताकत आएगी दोस्तों। तो यही चीज़ पे हम बात करना चाहते हैं, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको रास्ता दिखाई पड़ने लगेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे हम वो सीढ़ी से बाहर निकल सकते हैं, मानसिक समस्या से बाहर निकल सकते हैं, तो जो भी चीज़ विचार आपको डर दिखा रहा है, जैसे कि आपको दिखाता है कि गंदगी हाथ में लगा हुआ ही है, साफ मन बार बार दौड़ दे रहा है, फिर जो है चिंता घबराहट चालू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है कि आप आपको जो है कि एंजाइटी घबराहट मन के ऊपर प्रेशर बनने लगता है, उस समय फिर उससे कैसे बाहर निकलेंगे। तब आपको आएगा कि ये सब तो एक बीमारी का विचार है जो मुझे डरा रही है, ये सब आपको अपॉर्चुनिटी लगने लगेगा। पहले आप विश्वास तो कीजिए कि हाँ, अपने आप से अभी 5 बार बोल के देखिए, हाँ मैं उस सीढ़ी से बाहर निकल सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम निकल सकते हैं। देखिए आपके अंदर ये क्षमता आएगी, 5 बार बोल करके देखिए, 10 बार बोल करके देखिए, आपके अंदर ऐसे मुट्ठी मुन कर, हाँ मुझे विश्वास है कि हम ओ सी डी से बाहर निकल सकते हैं, निकल जाएंगे। तब आपको देखिए आपके अंदर वो ताकत आएगी। जहाँ निगेटिविटी आती है वो आपको जो अपॉर्चुनिटी लगने लगेगा दोस्तों, आपको रास्ता मिलने लगेगा। हर एक चीज़ में रास्ता मिलने लगता है जब आपको विश्वास होता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तो आपको रास्ता मिलने लगता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही दोस्तों कि आप विश्वास की शक्ति को अपने ऊपर जो विश्वास कीजिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं जहाँ पर आप करते हैं, तो इस विश्वास को आप यूज कीजिए दोस्तों, इस शक्ति को जो है कि इस्तेमाल कीजिए, और आपको देखिए रास्ता मिलना चालू हो जाएगा। आप जहाँ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।